नमस्कार, आप देख रहे हैं डिजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की प्रमुख खबरों की तरफ। राधौगढ़ क्षेत्र के आवन और नारायणपुर के बीच ट्रेन की चपेट में आया गायों का झुंड, जिसमें 6 गायों की मौत और एक घायल हो गई। नागदा बिना ट्रेन की चपेट में आने से 5 बछड़ों और एक गाय समेत 6 की मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद घटनास्थल पर जंजाली पुलिस व राधौगढ़ पशु चिकित्सक डॉक्टर पहुंचे। वहीं पर गायों का पीएम किया गया और एक घायल अवस्था में गाय का इलाज भी किया गया। घटना सुबह 8:30 बजे के लगभग की बताई जा रही है। काले रंग की थी, बीमार वाली थी, तो घायल वाली काले रंग की थी। बचिया है क्या? वो बच्चा है, वो ही पीछे ना चल रहा है, तो उसके पीछे दौड़ रहा हूं। राधौगढ़ से कमलेश सैनी की रिपोर्ट। लाडली शिक्षा पर्व का आयोजन आज स्थानीय मानस भवन में किया गया। लाडली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के प्रमाण पत्र भी इसी समारोह में बांटे गए। महिला सशक्तिकरण एवं महिला बाल विकास द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में खिलाड़ियों को शिक्षा पर्व के अंतर्गत 2000 की राशि की छात्रवृत्ति के प्रमाण पत्र भी दिए गए। उल्लेखनीय है कि कक्षा 6 में अध्ययन कर रही छात्राओं के खातों में ये राशि जमा की जाएगी। इसी अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो के माध्यम से छात्राओं से चर्चा की। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान, विधायक पन्ना लाल शाक्य एवं राज्य अंत्योदय समिति के सदस्य मनोज दुबे विशेष रूप से उपस्थित रहे। एक दो नहीं, 2-4 हजार नहीं, 65,000 से अधिक बेटियां जो आज छठी कक्षा में पहुंची हैं। और जब मैं इन बच्चों से, बेटियों से बात कर रही हूं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे कल कैबिनेट के इसमें आपसे बात कर रहे थे, सबका आपका चेहरा याद आ रहा। जब आप हम सब अपने कैबिनेट के साथियों से बात कल कर रहे थे, आप कह रहे थे सबसे, आश्रमों में कहते हैं जो इस देश की परंपरा था कि मान्यता है कि जहाँ बेटियों की, बहनों की, महिलाओं की का मान सम्मान होता है, उनकी प्रतिष्ठा होती है, उनके अंदर निहित शक्ति का आह्वान होता है, वहां निश्चित तौर पर वो परिवार, वो समाज, वो देश, वो प्रदेश आगे बढ़ता है। कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने आनंदम विभाग की शुरुआत करी। पुरुष पढ़ता है तो पुरुष शिक्षित होता है, अपना काम करता है। अगर हम बच्ची को पढ़ाते हैं, महिला को पढ़ाते हैं, तो दो परिवार शिक्षित होते हैं, दो परिवार सुधरते हैं। एक परिवार उसके पिता का परिवार, दूसरा परिवार जहाँ उसकी ससुराल है वो परिवार। अगर बच्ची को आप शिक्षित बनाते हैं, साक्षर बनाते हैं, तो दो परिवार सुधरते हैं। शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा, संविधान के द्वारा महिला पुरुषों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। परंपराएं हमने बना ली, बहुत सीधा सीधा सिद्धांत है कि जिसका आर्थिक साधनों पर अधिकार है उसका डोमिनेशन रहता है। बदबू और गंदगी के बीच रहने के लिए मजबूर है वार्ड 29 के रहवासी। बता दें कि वार्ड 29 में एक नाला बह रहा है। इसकी शिकायत कई बार वार्ड वासियों ने पार्षद से की, जिसके बाद भी इस समस्या से निजात उनको नहीं मिली। गौरतलब है कि अब यह वार्ड 29 वार्ड क्रमांक 25 के नाम से जाना जाता है। यहाँ सड़कें तो बन गई हैं, पर नाले की गंदगी आज भी वैसी की वैसी ही है। मोहल्ले के रहवासियों ने कई बार वार्ड पार्षद एवं नगर पालिका में इसकी शिकायत भी की, पर कोई नतीजा नहीं निकला। शायद जिला प्रशासन इसकी अनदेखी के चलते एक बड़ी आपदा को न्योता दे रहा है। नाले की है कि सर, ये कई बार करी सर, आवेदन भी दिए, खूब जाके आस पास के खूब गए, इसके बाद में बावजूद पहले आए कोई चेक करके भी गए, हो गए इसके बाद इसका पुलिया की बन जाएगी, इसके बाद भी नहीं बना। सड़क बन गई, यहाँ की बन गई, यहाँ से यहाँ तक की रहेगा, इसके बाद नहीं बनी। वार्ड क्रमांक 29 शायद 25 में होगा, वार्ड धर्मपाल जाट नहीं आता। ये तो अभी सड़क डल गई, तो जब तो बच जाता नहीं पानी, यहाँ तक जाता था पूरा, ये पूरा डूब जाता था इतना इतना। उत्कृष्ट विद्यालय में आयोजित हुआ नेत्र परीक्षण शिविर। इस शिविर में बच्चों के नेत्र परीक्षण किए गए और उन्हें महत्वपूर्ण सलाह दी गई।
विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर उत्कृष्ट विद्यालय के छात्रों का आज नेत्र परीक्षण किया गया। यह परीक्षण लायंस क्लब एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामवीर सिंह रघुवंशी मौजूद रहे। यहां पर बच्चों को अपनी आंखों के विशेष ख्याल रखने की हिदायत भी दी गई। साथ ही उन्हें यह भी बताया गया कि समय समय पर अपनी आंखों की जाँच जरूर कराए। और बोलते किसी प्रकार की तकलीफ हो सबकी जांच होती है। दूसरा विश्वविद्यालय से अजय निगड़ीकर, आज विश्व दिव्य दृष्टि दिवस है। इस उपलक्ष्य में डॉक्टर रामवीर सिंह CMO गुना के विशेष सहयोग से हमारे यहाँ बच्चों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इसमें हमारे 1000 बच्चों का नेत्र परीक्षण किया जाना है। इसके अलावा जिनके कान में खराबी है या स्वास्थ्य संबंधी अन्य कोई समस्याएँ हैं उनके लिए भी विशेष मार्गदर्शन दिया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की बैठक आज स्वतंत्रता पार्क में संपन्न हुई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए किया गया। सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुटता दिखाकर कार्य करना है। इस बैठक में कई फैसले लिए गए। बढ़ती भ्रष्टाचार की समस्या इसका मुख्य मुद्दा रही। प्रथम मीटिंग भोपाल में आयोजित हुई, दो दिन की कार्यशाला भी थी, उसमें कई निर्णय लिए गए। निश्चय 5 नवंबर को शंखनाथ रैली, केजरीवाल जी मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से भयानक रूप से भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था, किसानों की समस्याएं, बेरोजगारी और जिस तरह से कानून व्यवस्था से लेकर और अत्याचार की सीमा बहुत बड़ा पहाड़ बन चुका है और मध्य प्रदेश में किसान मर रहे हैं, किसानों की फसलें बर्बाद हो गई हैं, प्रधानमंत्री बीमा जो मिला था वो ढाक के 3 पात हो रहे हैं और गुना को सूखा घोषित नहीं किया गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि गुना मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के पेंशनर संघ ने आज कलेक्ट्रेट भवन पहुंचकर कलेक्टर राजेश जैन को सौंपा ज्ञापन। संघ के पदाधिकारियों को आरोप है कि 7वां वेतनमान पेंशनरों को कई राज्यों में लागू किया जा चुका है और मध्य प्रदेश को इससे वंचित रखा गया है। पेंशनर संघ के सदस्यों की मांग थी कि जल्द से जल्द 7वां वेतनमान भी पेंशनरों पर लागू किया जाए। आज हम यहाँ कलेक्टर साहब को एक ज्ञापन देने आए हैं, उसमें हमने मांग की है कि 1/16 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो 7वां वेतन आयोग लागू किया है वो कई प्रदेशों में उसको लागू कर दिया गया है पेंशनरों के लिए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन्होंने आज तक नहीं लगाया है। जबकि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर ये वेतन आयोग लागू कर दिया गया है। 2 राज्यों में एक ही पार्टी के अगर मुखिया हों और एक राज्य में वो वेतन आयोग लागू किया जाए, दूसरे राज्य में नहीं किया जाए, ये गलत बात है। हम यही मांग करने आए कि 7वां वेतन आयोग पेंशनर्स पर भी लागू किया जाए। विश्व दृष्टि दिवस के अवसर पर आज कन्या विद्यालय में सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय के सौजन्य से लगाया गया ज्ञान नेत्र परीक्षण शिविर। शिविर में छात्राओं के निःशुल्क आंखों की जांच की गई। साथ ही संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि जिन छात्राओं की दृष्टि या नेत्र में कोई शिकायत होगी तो उनके निराकरण के लिए उनका निःशुल्क ही इलाज किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिन बच्चों के चश्मे की जरूरत है उन्हें निःशुल्क चश्मा वितरण भी यहीं किया जाएगा। जिनकी रोशनी कम है या देखने में प्रॉब्लम है, पढ़ने में थोड़ी कमज़ोर है,
उनकी सभी बच्चों की आँखों की जाँच की जाएगी और जिन बच्चों की रोशनी कम है उन्हें चश्मे से जिनका इलाज हो सकता है उनको चश्मा प्रदान किया जाएगा और उनको जिनको ऑपरेशन की आवश्यकता है उनको अस्पताल में बुला के उनका ऑपरेशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाए। ये सद्गुरु नेत्र चिकित्सालय की तरफ से कैंप लगाया गया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण करने पहुंची जिला पंचायत अध्यक्ष अर्चना बबलू चौहान। यहां पर जिला पंचायत अध्यक्ष निरीक्षण कर जाना कि किस तरह से और क्या क्या सिखाया जा रहा है। आपको बता दें कि यहां पर निशुल्क कौशल विकास कराया जाता है जिसमें जो विद्यार्थी पढ़ नहीं पाए या गरीब हैं तो उन्हें यहाँ पर अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती हैं जिससे वह अपना जीवन यापन कर सकें एवं रोजगार के अवसर ढूँढ सकें। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र गुना में सर एक जिले में जो एक ही खुल सकता है वो हम लोगों ने महिंद्रा स्किल्स ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से यहाँ पर खुला है। ये बहुत जल्दी अब ये चालू होने वाला है आप दिवाली के बाद। इसमें हम लोग निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं पूरे 9 ट्रेड्स में जिसके नाम है सिलाई मशीन, मोबाइल हैंडसेट रिपेयरिंग इंजीनियर, CCTV कैमरा, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, लाइफ इंश्योरेंस एजेंट, आपका टेलीकॉम इन स्टोर प्रमोटर और हाउसकीपिंग कंप्यूटर। ऐसे कोर्सेज जिसमें बच्चों को निशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा। जो बच्चे आपके 5वीं 8वीं 10वीं या 12वीं ऐसे बच्चे जो लोग नौकरी नहीं कर पा रहे कम पढ़े लिखे होने के कारण उनको सरकार 5 से 15 हज़ार तक की नौकरी ये प्रशिक्षण कराने के बाद देगी। इसमें हम लोग स्वयं अपनी तरफ से जो कंपनियाँ आएंगी उनमें इनको लगवाएंगे रोजगार कार्यालय के हेल्प से। अपनी तरफ से हम लोग जो भी कंपनियों के साथ टाई अप किए हैं उनके साथ। दूसरा मुद्रा योजना के हेल्प से हम इनको लोन दिलवाने की कोशिश करेंगे जिससे ऑलरेडी हम लोग की बातें चल रही हैं जिसमें मिनिमम 50,000 से लेकर 10 लाख तक का लोन इनको दिलवाया जाएगा इनके प्रोजेक्ट मैप पर। प्रधानमंत्री विकास कौशल केंद्र है तो यहाँ हम आए तो यहाँ हमें आकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ 9 तरह की ट्रेनिंग दी जा रही है और वहाँ पर सिखाया जा रहा है बिल्कुल निःशुल्क सिखाया जा रहा है। तो जो भी बच्चे कम पढ़े लिखे हैं या फिर वो पढ़ नहीं पा रहे हैं गरीब हैं परेशानी आ रही है पढ़ नहीं पा रहे हैं तो 8वीं 10वीं 5वीं तो ऐसे बच्चों को यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है और निःशुल्क सिखाया जा रहा है। तो बहुत सारे 9 काम सिखाए जा रहे हैं सिलाई है मोबाइल है सोलर प्लांट है तो ये सब के बारे में सिखाया जा रहा है। एकल विद्यालय द्वारा 7 दिवसीय अभ्यास वर्ग 2017-18 का समापन आरोन में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ माँ सरस्वती एवं भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित मंचासीन अतिथियों ने किया। अभ्यास वर्ग के मुख्य अतिथि एकल विद्यालय अंचल अध्यक्ष बुंदेल सिंह यादव थे। एकल विद्यालय के बच्चों के माता पिता तथा ग्रामवासियों को साफ सफाई तथा स्वास्थ्य के बारे में शिक्षा तथा पर्यावरण व्यायाम संस्कार एवं घरेलू उपचार जैसे नीम तुलसी के लाभ पानी को उबाल कर पीना आदि प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर एकल विद्यालय से लाला राम पप्पू सिंह मान सिंह नवल सिंह आदि उपस्थित रहे। एकल अभियान सारे भारत वर्ष में ऐसे क्षेत्रों में काम करता है जहां हम पहुंच भी नहीं सकते। वन बंधु क्षेत्रों के बीच हमारे दीदी और आचार्य उनके घरों में जाते हैं और उनको शिक्षा का कार्य करते हैं। ये आप सबको के साथ हमारे बच्चों को एकल के आचार्य और दीदी शिक्षा देती हैं और हमारे गुना में भी 12 और 30 आचार्य उनको जाकर घर घर शिक्षा देने का काम करते हैं। इसमें शासकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय राधोगढ़ के छात्रावास के छात्रों द्वारा बुधवार शाम को रुठियाई नगर के मुख्य बाजार में स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत रैली निकाली गई। इस रैली के माध्यम से छात्रों ने रुठियाई नगर के व्यापारियों और नागरिकों से इस दिवाली पर चीनी सामान नहीं बेचने और न ही उपयोग करने का पर्चा बांट कर आग्रह किया। देश
प्यार है, वो देश का लगदार है, इसको चाइनीज से प्यार है, नगर के लोगों ने भी छात्रों की इस रैली में पुरजोर समर्थन किया। सभी छात्रों ने चीनी उत्पाद कभी भी उपयोग न करने का संकल्प लिया। इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ संस्था के व्याख्याता श्री आर के दीक्षित, श्री अजय सैनी, रामजी मिश्रा, विपिन विश्वकर्मा आदि उपस्थित रहे। जिले में संभाला नए एसपी ने कार्यभार। हमारे जिले के नए एसपी होंगे निमेश अग्रवाल। आज सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए निमेश अग्रवाल ने अपना कार्यभार ग्रहण किया। कामकाजी महिलाओं को दिया जा रहा प्रशिक्षण। विगत दिनों से हिंदूपत कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कोठीबाग राधोगढ़ के तत्वाधान में घरेलू कामकाजी महिलाओं को 45 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण वार्ड क्रमांक 1 से लेकर वार्ड क्रमांक 24 तक की चयनित महिलाओं को दिया जा रहा है। जिन महिलाओं के पास घरेलू कामकाजी कार्ड जो कि नगरपालिका राधोगढ़ द्वारा प्रदान किए गए हैं, वही महिलाएं इस प्रशिक्षण में भाग ले रही हैं, जिसका लाभ उनके द्वारा लिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण श्रीमती साक्षी सेंगर के द्वारा दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हिंदूपत कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की प्रशासनिक अधिकारी रश्मि वत्स, सतीश सैनी, समाज सेवी नरेंद्र धाकड़, अजब सिंह धाकड़ के द्वारा महिलाओं को घरेलू कामकाज में सावधानी, सामग्री का सही उपयोग आदि की जानकारी दी गई। इसको क्या है, एक लेते हैं उसको रोल करते हैं, जैसे कि हमने कल बताया था आपको, और उसको डेकोरेट करने के लिए इसमें गोटा या मतलब गोल्डन सिल्वर कुछ भी आता है उसको लगा सकते हैं, और इसके छोटे 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 क्या बनाते हैं ब्लॉग आते हैं। आज दिनांक 11/10/2017 को जनपद सभा कक्ष राधोगढ़ में मुख्यमंत्री भावांतर योजना के विषय में प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अत्यंत सिंह गुर्जर के मार्गदर्शन में किया गया। प्रशिक्षण जिला स्तर से पधारे श्री दिनेश श्रीवास्तव सहायक संचालक कृषि, श्री बी एस तोमर वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी द्वारा विस्तार से दिया गया। दिनांक 12/10/2017 को जनपद के 99 ग्रामों में भावांतर योजना के कार्य करने के लिए विशेष ग्राम सभा का आयोजन हुआ। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक किया गया। इसका उद्देश्य मुख्यमंत्री भावांतर योजना में अधिक से अधिक कृषकों को जोड़ना है। प्रशिक्षण में श्रीमती हेमलता शर्मा मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा नोडल अधिकारियों, राजस्व सचिव एवं रोजगार सहायकों को अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रशिक्षण में ग्राम सभा के नोडल अधिकारी, पटवारी, RAEO, ग्राम सचिव व रोजगार सहायकों ने भाग लिया। जितने भी लोग छूट गए हैं उन लोगों के पंजीयन के लिए आवेदन फॉर्म भर के आपके पास जमा हो जाए। आप लोगों को कल ये काम केवल करना है कि जो लोग छूट गए हैं, जिनका पंजीयन नहीं हुआ है और आवेदन पंचायत तक नहीं आया है, तो कल वो आवेदन आ जाए। ये मुख्य कार्य कल के तारीख में आपको करना है और 15 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है। ये आपको किसी प्रकार की अवकाश दिख सकती है और जो अनुपस्थित रहेंगे उसकी सूचना नोडल अधिकारी के माध्यम से आएगी, और अगर नोडल अधिकारी खुद अनुपस्थित है तो उसकी सूचना ग्राम पंचायत के सचिव और रोजगार सहायक के माध्यम से हमारे पास आ जाए, ताकि अनुपस्थितों के विरुद्ध कार्रवाई की। पुलिस की लापरवाही बनी मौत का कारण। पूरा मामला यह है कि मकसूदनगढ़ के खेरखेड़ी गांव में अहिरवार समाज के लोगों के बीच में हुआ विवाद मुन्ना नाम के व्यक्ति की मौत का कारण बन गया। खेरखेड़ी गांव में रात के समय मुन्ना अहिरवार और उसी के समाज के 2 से 3 लोगों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने मुन्ना को अपने घर में ले जाकर बुरी तरह से मारा पीट। मुन्ना के घर वालों ने बताया कि इस मामले में सबसे बड़ी चौंका देने वाली बात यह थी कि जिन आरोपियों ने मुन्ना के साथ मारपीट की थी उन्हीं आरोपियों ने पुलिस को बुलाया।
जब जाकर पुलिस मुन्ना को खेरखेड़ी गांव से लेकर मकसूदनगढ़ अस्पताल पहुंची और अस्पताल के बाहर ही मुन्ना को तड़पने के लिए छोड़कर चली गई और इसकी सूचना मकसूदनगढ़ अस्पताल के डॉक्टरों को भी पुलिस ने नहीं दी। इसी कारण तड़प तड़प कर मुन्ना अहिरवार की अस्पताल के बाहर ही मौत हो गई। अहिरवार समाज के लोगों ने बताया कि अगर समय रहते अगर पुलिस सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को सूचना दे देती तो मुन्ना का इलाज हो जाता और मुन्ना आज जिंदा होता, पर पुलिस की लापरवाही हैरान कर देने वाली थी। मुन्ना के परिवार वाले पुलिस से गुहार लगा रहे थे कि इन लोगों ने ही मुन्ना को मारा है, आप इन्हें पकड़िए। फिर भी पुलिस ने उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया, जबकि आरोपियों ने खुद ही मुन्ना को उठाकर पुलिस की गाड़ी में रखवाया और मौके पर खड़े रहे, फिर भी पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की। पुलिस चाहती तो घटनास्थल से ही सारे आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती थी, पर पुलिस ने ऐसा नहीं किया। बिना मकसूदनगढ़ सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों को सूचना दिए ही अस्पताल के बाहर मुन्ना को तड़प तड़प कर मरने के लिए छोड़ दिया। ये सारे आरोप मुन्ना के परिवार वालों ने और समाज के लोगों ने पुलिस के ऊपर लगाए हैं। उठा रहा हो भरोसा है यार, पानी पिला शर्म आ गई। तो मेरे देवर को मारा, लड़ाई लड़ाई में मारे वन कौन दो लाश ने और भंपा ने और गोलाब ने, कहीं नहीं हुए मार ठोके बन के घरे फट कर जय सिंह पटेल हम बोला के लाए तो नाम आता तुम हाथ पांव तोड़ दंग। ये मुन्ना लाल अहिरवार है खेरखेड़ी के, मैंने सुना है कि परिवार घर परिवार वाले लगाए उस मारपीट में इनकी मौत हो गई है। जामनेर पुलिस शायद किसी ने फोन लगाया, जब जामनेर पुलिस लेके आई है मकरनगढ़ पुलिस और जामनेर पुलिस सहयोग से जाके लेके आई है। ये अस्पताल में बिना किसी के बताए तो अस्पताल के बाहर गए थे, यहाँ छोड़कर चले गए, जिससे मुन्ना लाल अहिरवार की मौत हो गई। ये पुलिस की लापरवाही के कारण ये मुन्ना लाल अहिरवार की मौत हुई है। मकसूदनगढ़ से हमारे सहयोगी टोनी शाह की रिपोर्ट। हरियाणा न्यूज में खबरों का सिलसिला आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।